सुकमा सिंह इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां जिले वासियों को 303 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण और शिलान्यास किया इन विकास कार्यों का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़े, लोगों को ये बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के पहले रॉक गार्डन का भी शुभारंभ हुआ है। सीएम ने रामाराम में रॉक गार्डन का शुभारंभ किया और जिले वासियों को इस सौगात के लिए कई सारी बधाइयां भी दी है। उप स्वास्थ्य केंद्र भेजी का भी अपग्रेडेशन होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेडेशन होना है और विकासखंड कोंटा में 28 प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण भी होना है। परिसर में लाल गार्डन और मंगल भवन कभी आज उद्घाटन किया गया, जो लगभग 3.25 करोड़ का, और इसी प्रकार से 303 करोड़ रूपया 67 लाख रूपये के विकास आज चौदह सुकमा जिले को मिला है, जिसमें 63 करोड़ 57 लाख रूपये के लोकार्पण और 34 करोड़ 10 लाख रूपये निकायों का भूमि पूजन और 373 निकायों को सामग्री का वितरण भी आज हुआ। आज जिन कार्यों का लोकार्पण होगा और भूमि पूजन किया जाएगा, प्रमुख रूप से सड़क है, स्कूल है, हॉस्टल है, अस्पताल है, जैसे कार्य है जिसमें गुरकुंडा, छिंदा, काकेलिंदा, कुंडा टोटा, रामाराम, कोटा, जगरगुंडा, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल, सुकमा में कन्या शिक्षा परिषद, हायर सेकेंडरी स्कूल। और अब चर्चा करेंगे कोंडा गांव के, जहां नक्सलों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेरा गया। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। 5 किलो का आईईडी कोंडा गांव नारायणपुर मार्ग से बरामद किया गया और बुना गांव के पास आईईडी को रिकवर करते हुए सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बम को फौरन डिफ्यूज कर दिया। इधर राजधानी भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने 3 दिन पहले विवाद की खबर दिखाई थी। आरटीओ संजय तिवारी को हटाया गया है और एआरटीओ अनपा खान पर भी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में विभाग ने कार्रवाई की है। आरटीओ संजय तिवारी को परिवहन आयुक्त कैंप कार्यालय भोपाल में नियुक्त किया और एआरटीओ अनपा खान को परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त किया गया था। मामले में दिलीप सिंह तोमर उप परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया और 10 दिनों में जिम्मेदारी तय कर प्रतिवेदन जांच दल प्रस्तुत करेगी। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए, अगर बात करें तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर लंबे समय से जो आरटीओ है संजय तिवारी जमे हुए थे और इसकी खबर न्यूज 18 ने 2 दिन पहले ही दिखाई थी, जहां पर विवाद हुआ था, सारे एजेंट एग्जिट हो गए थे। इसके बाद जो है अनपा खान एआरटीओ, इन पर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई दोनों को की है, क्योंकि आरटीओ संजय तिवारी और एआरटीओ अनपा खान दोनों पे करोड़ों का जब भ्रष्टाचार निकला तो उसके बाद इन्हें हटा दिया गया है। दोनों को यहां से हटाकर जो है ग्वालियर पदस्थ कर दिया गया है। तो न्यूज 18 ने 2 दिन पहले इनके भ्रष्टाचार की कलई खोल दी थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां